अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बालों से डैंड्रफ खत्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी बताऊंगी। छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके बालों में अगर बहुत ज़्यादा खुश्की है, क्योंकि ये मौसम ऐसा अब चल रहा है कि बाल हमारे काफ़ी रूखे हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है। इससे आपके बाल झड़ना भी ख़त्म होंगे और फौरी तौर पर जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे इससे आपकी तमाम डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है टर्मरिक। आप हैरान होंगे कि टर्मरिक किस तरह से हमारे बालों से डैंड्रफ ख़त्म कर सकती है। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि आप आसानी से ही टर्मरिक पाउडर से अपने बालों से डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले लिया है ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जितना टर्मरिक है, इससे ज़्यादा आपने इसमें यूज़ नहीं करना। और जो दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करने लगे हैं वो है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल भी बहुत अच्छा होता है आपके बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। अब सिंपल अगर ऑलिव ऑयल को अपने बालों में अप्लाई करें, इसका मसाज करें अपने बालों में, तो आप देखेंगे कि इससे आपके बाल काफ़ी सिल्की और स्मूथ होते हैं और आपके बालों से तमाम डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है। आपने सिंपल इसको अपने बालों में उंगलियों की मदद से अप्लाई करना है। अच्छे से इसको अप्लाई करें, पूरे बालों में लगाना है। सिर्फ आपने इसको अपने सर पर ही इसको लगाना है, पूरे बालों तक एंड तक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डैंड्रफ को ख़त्म करना है। तो इस वजह से सिर्फ अपने बालों की जड़ों में ही आपने इसको लगाना है और अच्छे से लगाना है। उंगली की मदद से खोल खोल के आपने इसको आधे घंटे के लिए लगाना है और 30 मिनट से 45 मिनट के लिए इसको लगाएं। उसके बाद आप सिंपल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लें, अगर चाहें तो शैम्पू भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपके बालों से तमाम डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे बताएं आपको कैसी लगी ये छोटी सी रेमेडी। एंड थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।